सीए कानून 3 साल पहले पारित हो चुके हैं। अगर दम जिसके पास है वो चालू करा रहा हूं, ये तो सेंट्रल कानून है, ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मोदी सरकार के पास ही है, उनके जेब में है। सीए लागू कराने किसने रोका है? वो क्यों नहीं लागू कर सकते? सीए अगर लागू होगी ना, ज्यादा हिंदू लोगों का खतरा बनेगी। ये मैं आज से आप इसको संज्ञान में ले लेना चाहिए कि ये जो सीए है और जो एनआरसी है, ये बस चुनावी ये औजार है, सिर्फ चुनाव की मकसद के लिए ये सारे की बात हो रहे हैं, सीए और एनआरसी। बस ये बात हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर सरकार चाहे तो कर सकते हैं, सरकार उनके पास है। ये हो सकता है, अगर कोई शासन के लिए कुछ भी हो सकता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से चलाना है, इसके लिए कोई निर्णय ले सकते हैं सरकार, सरकार की अपनी ये अधिकार बनते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पंचायत चुनाव से पहले, जिस तरह से बहुत बुरी तरह बदतर होते जा रहे हैं, और भी होगी, पार्टी ऑफिस भी तोड़ा गया, क्योंकि सरकार ये जो सरकार ये चोरों की लुटेरों की डाकुओं की सरकार बन चुके हैं। यह और कुछ नहीं होगा, खून खराबा लुटेरा ये सारे ये सरकार में शामिल हो चुके हैं। चोरों का भरमार है, लुटेरों की भरमार है, ये सरकार ये ऐसे ही चलते रहेंगे। शुभेंदु और ममता बनर्जी का मीटिंग हुआ असेंबली में, वो तो आपस में तो रिश्ता है, इन लोगों को दीदी और मोदी से भी रिश्ता है, तो शुभेंदु और दीदी का भी रिश्ता होगी, हर जगह क्या है। दादा हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि 400 सीट वो जीतेंगे 2024 के चुनाव में, अरे 543 जीत लो ना, हर जगह क्या है। ये कह रहे कि राहुल गांधी जो है सद्दाम हुसैन की तरह अपना लुक है, ये देखिए ये गंदी बात वो उनका जबान से निकल सकते हैं, हमसे नहीं। तो जो इस तरह भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से लगातार इनके बुखलाए गए हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी बुखलाए हुए हैं। अरे बुखलाते हुए राहुल गांधी जी की जो छवि, ये छवि धूमिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और क्या। बंगाल में नियंत्रण कानून की जरूरत है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं, वो तो सारे देश में भी देखो, बीजेपी पार्टी के हाथ में 18 सूबे की सरकार चलते हैं, सत्ता तो उनके पास है, करके दिखाओ ना रे भाई। हर रोज बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? तुम बयानबाजी करते हो सिर्फ एक माहौल पैदा करने के लिए, डर की माहौल, नफरत की माहौल, भयभीत की माहौल, और कुछ करते हो? हिंदुस्तान में और लोगों की और कोई जरूरत नहीं है? महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, और तुम रोजाना एक फिजूल बात लेकर सामने खड़े होते हैं। पंचायत कांग्रेस लड़ेगा, अपने जो ताकत है सारे ताकत झोंक कर कांग्रेस लड़ेगा। अरे दर पाते चले जो चोरों की बात पे क्या इतना आप अहमियत देते हो? ये सारे चोर जेल के अंदर अभी है, वहां उनको ठीक से रहने का इंतजाम करे सरकार, जेल के अंदर उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए वो ममता बनर्जी की चपलूसी कर रही है, और क्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।